अभी सबसे घटिया बस स्टैंड हो रहा है। सबसे पहला कि पानी का निकासी नहीं है, पानी का निकासी होने से बहुत समस्या दूर हो जाएगी वहाँ। उसके बाद जो भी बस उतरती है लगता है कि आज न कल उलट जाएगी, इतना पोजीशन खराब है। अब जाके आप अपना कैमरे के माध्यम से या वहाँ के माध्यम से देख सकते हैं, वहाँ सबसे पोजीशन खराब है उतरने का और चढ़ने का बस का। कोई बस उतरता अब नहीं है, ऊपरी रोड पर अपना रोका, पैसेंजर उतरा और जिसको चढ़ना अपना चढ़ा। छवि खराब हो बहुत खराब हो रही है छवि। आप देख रहे हैं शेरघाटी आजकल और मैं हूँ इमरान अली। आज मैं यहाँ पे वार्ड नंबर 4 में पहुँचा हूँ। ये शेरघाटी का नई बाजार, बस स्टैंड का हिस्सा, थाना, ब्लॉक, ये सारा हिस्सा जो शेरघाटी का कहें कि हृदय स्थल ही है। और इसका प्रतिनिधित्व करते हैं इस वार्ड के वार्ड पार्षद प्रभात कुमार गुप्ता उर्फ टून गुप्ता जी। टून गुप्ता जी शिवनाथ प्रसाद गुप्ता जी के बेटे हैं और मशहूर भाजपा नेता रघुनाथ प्रसाद गुप्ता जी के भतीजे हैं। टून गुप्ता जी, आपका शेरघाटी आजकल में स्वागत है। थैंक यू, धन्यवाद। पहला सवाल कि आप जिस वार्ड के पार्षद हैं वो शेरघाटी का नई बाजार, बस स्टैंड, थाना, रजिस्ट्री ऑफिस, ब्लॉक, ये सारा कुछ यहाँ पर है, तो आपके वार्ड में क्या विकास हो पाया जब से आप वार्ड पार्षद बने हैं? हम जब से वार्ड पार्षद बने हैं तो जो भी रोड है, आपको डीएसपी साहब का एक रोड बनवाए और आवास का सामने एक गली था, बहुत दिक्कत था, उसमें एक रोड था, रोड हम बनवाए और उसी के एक रोड जाती है नदी, मुरहर नदी तरफ, वो भी रोड हम ही बनवाए जितने के बाद उसको। और भी काम जो है, जो भी है, हमको नगर पंचायत से जो भी सुविधा मिला, कुछ हम विधायक कोटा से में उड़ी विनोद प्रसाद यादव जी विधायक थे, उन्हीं की योजना लेकर दो ठो रोड, एक चबूतरा, एक आपको बोलते हैं घाट, जो छठ घाट जिसको कहते हैं, हम उस पर विकास किए। अच्छा, एक ये डॉक्टर जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, इस इलाके के लोग काफ़ी आंदोलन करते रहे हैं, आवाज़ उठाते रहे हैं, कई बार सड़क जाम करते रहे हैं, लगातार उसकी मांग हुई, बहुत दिनों तक वहाँ पर लोगों का चलना दुभर था, तो बाद में जाकर वो सड़क बनी है, तो क्या उसी वो क्या कारण रहा इतने दिनों तक उस इलाके के लोग परेशान थे? जब हम वोट मांगने गए थे 2017 में, जब चुनाव हम लड़ने के लिए तैयार हुए और वोट मांगने नूतन नगर गए, तो मालूम चला ये 2015 से विधायक जी कुछ योजना ला के नगर पंचायत में पैसा डलवाए थे, और जब भी योजना कोई टेंडर या कुछ भी होता था, कोई कारणवश ये नहीं हो पा रहा था, तो हम बोले जनता को कि जब तक हम इस रोड को अपना माध्यम से हर मीटिंग में बात उठाएं, नहीं बन जाता, अगर नहीं बनता मेरे कार्यकाल में, हम वोट मांगने नूतन नगर नहीं जाएंगे। और भी जनता मेरे साथ दिया पूरा, वहाँ धरना प्रदर्शन बहुत करने के बाद फिर टेंडर हुआ, टेंडर होने के बाद फिर ये रोड बना। पर मेन समस्या है, जो रोड तो बन गया, नाली बन गया, पर मेन समस्या उसका पानी निकासी का है, इसी में अभी रुक गया है बस, वो टेक्निकल प्रॉब्लम। हाँ, वो पानी अगर निकल गया तो नूतन नगर का सब समस्या दूर हो जाएगा, लेकिन अभी फंसा हुआ है। अभी फंसा हुआ मामला, जब तक पानी नहीं निकलेगा तब तक नूतन नगर को फायदा नहीं है। क्या नल जल योजना पर क्या स्थिति है? जब हमने सुना कि सब टेंडर नल जल का हो गया और दो चार वार्ड में काम भी हुआ, जैसे 10 नंबर 11 7 17 सब में, तो हमने पूछा वहाँ नगर पंचायत में कि भाई मेरे वार्ड में जब जल नल का टेंडर हो गया या जो हो गया, तो बोला गया कि जो ठेकेदार जो लिया है से काम नहीं लगा रहा है, क्या इसे बोल के हमको नहीं, अभी स्थिति क्या है सर? स्थिति बहुत दयनीय है, काम नहीं हुआ। नहीं, अभी तक काम नहीं हुआ है, ना चालू हुआ है, ना कुछ हो रहा है। सरकार का सबसे पहला प्रोजेक्ट था कि हर घर में पानी पहुंचाना, पहले आपके वार्ड में नहीं हुआ? नहीं, कहीं पानी नहीं है। अच्छा, आवास योजना में क्या किया? आवास योजना में मेरा 11 ठो आवास योजना में दूसरा किस्त सबको चला गया, 28 ठो आवास योजना मिला था, मगर 11 ठो का अभी चला गया है, और जो बचा हुआ है सुनने में आ रहा है कि 10 दिन या 15 दिन उसका भी एक किस्त चला जाएगा, जब तक नहीं जाता हम कैसे बोल देंगे अभी गया। मगर फाइल उल सब कंप्लीट, किसी का रसीद नहीं था, किसी का कुछ पेपर में दिक्कत था। आपके यहाँ जो लाइट लगा उसकी क्या स्थिति? लाइट 75% बुता हुआ है। अच्छा, कारण? अब कारण हम जब पूछने गए तो कोई कहता है कि भाई नगर पंचायत से जो ठेकेदार जो लगाया
जो पेटिया कॉन्ट्रैक्ट एक ठेकेदार है वो लगाया था, उससे पूछे तो मेरा अभी तक पैसा भंजा नहीं और हमको मिला नहीं, जो पीछे जो आपको पक्षपालक थे नहीं दिए, अब क्या कारण है? और देखिए कि लाइट बुतने के कारण ही आज मोबाइल दुकान में चोरी हुआ, स्टैंड पास भी चोरी हुआ, पूरा बस स्टैंड अंधारा है। आपको हमने बोला कि सबसे पहले बस स्टैंड थाना को पूरा लाइट से और कैमरा से लैस किया जाए, काहे कि जो सीसीटीवी जैसे बस स्टैंड है मेरा पूरा, आपको जितना अनुमंडल जो सरघाटी का आता आदमी वहाँ उतरता बैठता ना, वहाँ पानी का व्यवस्था है, बोलते बोलते थक गए हम। एक बार हम अपना पैसा भी यूज किए और 20,000 का हमने वहाँ नल पाइप ताइप सब लगवा दिया। आप एक पाइप दुकान उतवारी मतलब मुन्ना जी हैं तो हम सब लगवाया किया, उसके बाद भी कार्यपालक ध्यान नहीं दिया, आज तक पैसा भी उस दुकानदार को नहीं दिया कमलेश सिंह। तब कमलेश सिंह जय बोला कि सामान हमको दिया दीजिए, हमने सब सामान उसको उपलब्ध करवा दिया। टून जी, हम आपको एक बात जानकारी देते हैं कि मैं भी कभी वार्ड पार्षद रहा हूँ, जब अधिसूचित क्षेत्र समिति था उस समय मैं 5 साल प्रतिनिधित्व किया नगर, वो अधिसूचित क्षेत्र समिति में वार्ड कमिश्नर के रूप में, फिर नगर पंचायत का जब चुनाव हुआ जैन सिंह जी जब चेयरमैन बने थे उस समय मैं वार्ड पार्षद पहला जो नगर, तो उस समय मुझे जो अनुभव है सदन में बैठने का, उस समय मैं देखता था कि जो अगर शहर की कोई प्रमुख चीज़ है जैसे मान लीजिए कि कोई बहुत ज़रूरी सड़क है या बस स्टैंड है, ऐसी चीज़ों के लिए जब वार्ड पार्षद कोई अपनी बात रखते थे तो सब लोग उनका समर्थन करते थे। मान लीजिए कि अभी उस समय 16 वार्ड था हम लोगों के समय में, और जब भी जैसी स्थिति रही तो सब लोग कहते थे कि नहीं ये बस स्टैंड सबके लिए है, सबों का है, और सब मिल के कहते थे कि नहीं बस स्टैंड के लिए जो पैसा मद में जिस मद में जाना चाहिए या अलग से कोई उसके लिए फैसले लिए जाते थे, उसके विकास के लिए छोटे मोटे काम के लिए भी वो निर्णय लेके बस स्टैंड को सजाया संवारा जाता था। लेकिन मैं जो अभी हाल के दिनों में देख रहा हूँ लगातार लोग बस स्टैंड की शिकायत कर रहे हैं, बदहाल है बस स्टैंड, तो आप लोग आखिर आपके, अच्छा ये आपके वार्ड में है तो बस स्टैंड को लेकर सबसे बड़ी चीज़ जो आपके यहाँ है वो बस स्टैंड है और आप उसके पार्षद हैं, तो आपने क्या निर्णय लिया, क्या कारण है कि उसका बस स्टैंड नहीं सुधार हुआ? हमने 2.5 साल पहले से हमने मांग किया कि यात्री सेट जो है जहाँ पानी या धूप या जो भी बस आने में लेट है या बस छूट गया किसी का रात में ठहरने का व्यवस्था होना चाहिए, आज तक वो व्यवस्था नहीं हुआ है। ये कि पूरा पैसा लगाना है, खाली मरम्मत हो जाएगा बढ़िया तरीके, बैठने के लिए हो जाएगा, गेट टूट बढ़िया लग जाएगा, जो जानवर हिल जाता है और कुत्ता हिल जाता है। तो विनय जी कोशिश किए मगर कार्यपालक क्या कारण से नहीं कीन क्या नहीं कीन हमको पता नहीं है, हम बार बार बात उठा। आप यात्री सेट की बात कर रहे हैं लेकिन जो छोटे छोटे दुकान हैं उसमें लाई के इसके तिलकुट के या जो ठेला है वहाँ पर या कुछ छोटी छोटी दुकानें हैं या कोई जो यात्री बूढ़ा यात्री हो महिला यात्री हो बच्चे हो भारी सामान उनके साथ हो, अब उनको कीचड़ में जिस तरह से गुजरना पड़ता है, कीचड़ से जाना आना पड़ता है, कोई भी बाहर का व्यक्ति, यहाँ बहुत सारी दूर की बसें चलती हैं तो सिरघाटी की छवि ख़राब होती है। बस स्टैंड को जब कोई आके बस स्टैंड को देखता है तो सिरघाटी की छवि ख़राब होती है। तो आप 20 वार्ड पार्षद ने कभी इस मुद्दे पर पूरा कभी कोई निर्णय नहीं लिया, क्या कारण रहा? जब हम वहाँ मुद्दा उठाए तो मेरे विनय जी और वाइस चेयरमैन चिंटू बाबू ने इसका पूरा DPR तैयार किया। नाली सबसे पहले चिंटू बाबू और विनय जी ने और जो चेयरमैन का प्रतिनिधित्व करते हैं वो कहें कि सबसे पहले इसका है पानी निकासी। अभी भी आपको 2 साल पहले भी उसमें आपको जो हम लोग का मीटिंग होता है उसमें लिया गया था कि बस स्टैंड को सौंदर्यीकरण करना है, उसमें नाली यात्री शेड जो आपको लाइटिंग जो जो है उस सबको शौचालय उस सबका पूरा DPR सब तैयार किया गया, अभी भी लिखा हुआ वहाँ सौंदर्यीकरण के लिए, मगर कार्यपालक अधिकारी के कारण क्या लगा कार्य की बस स्टैंड एक अलग चीज़ है, वो 50 लाख हर मर कार्यपालक महोदय के कारण नहीं हो पाया अभी तक। तो अब ये कागज़ से हकीकत में कब बदलेगा? अभी तो अभी मीटिंगे नहीं हुआ, जब नया कार्यपालक मेरे आए हुए हैं तो अभी तक कोई मीटिंगे नहीं हुआ है, ना कार्यपालक को हम जान रहे हैं ना हमको कार्यपालक जान रहे हैं,
जब तक हम लोग का सामना सामनी बात नहीं होती है, चाहे मीटिंग नहीं होती है, तो हम लोग बात कहाँ रखेंगे। जब मीटिंग होगी तब ना बताएंगे, उनसे बताएंगे कि ऐसा ऐसा हम लोग लिए थे और आपका क्या कहना है, विकास में क्या स्टैंड को करना चाहिए। अभी सबसे घटिया बस स्टैंड हो रहा है, सबसे पहला कि पानी का निकासी नहीं है। पानी का निकासी होने से बहुत समस्या दूर हो जाएगी वहाँ। उसके बाद जो भी बस उतरती है लगता है कि आज न कल उलट जाएगी, इतना पोजीशन ख़राब है। अब जाके आप अपना कैमरे के माध्यम से या वहाँ के माध्यम से देख सकते हैं, वहाँ सबसे पोजीशन ख़राब है उतरने का और चढ़ने का बस का। कोई बस उतरता अब नहीं है, ऊपरी रोड पर अपना रोका, पैसेंजर उतरा और जिसको चढ़ना अपना चढ़ा। घाटी की छवि खराब हो बहुत ख़राब हो रही है, छवि बहुत छवि खराब है। जब तक मीटिंग नहीं होती है, जब तक कार्यपालक बस स्टैंड को लोग दूर दूर से आते हैं देखते हैं तो छवि। हम तो बोल रहे हैं 2 साल पहले हम लोग लिए थे इसको इमरान जी, मगर इस पर कार्यपालक कोई कारण या जो भी दिक्कत हो, हम तो सब लिखाए थे ऐसे ऐसे स्टैंड में होना चाहिए, ये चीज़ बनना चाहिए, ये चीज़ होना चाहिए। मांग किया कि ये सड़कें हाल में बनी थी, नाली हाल में बना, लेकिन इसकी दयनीय स्थिति है। जब थाना गेट और पोस्ट ऑफिस जो ऊंचा हो गया, पहले जब पानी बरसती थी तो पानी जीटी रोड से चलती थी, तो कुछ थाना की ओर होते हुए अपना नदी में चले गए, कुछ पोस्ट ऑफिस में चले गए। अभी स्थिति हो गया कि थाना भी अपना ऊंचा कर लिया है और पोस्ट ऑफिस भी ऊंचा, और लगता है कि बाढ़ की स्थिति हो जाती है जब पानी आती है तो सीधे पचमुखी बजरंगबली पास पानी आ जाती है और वहाँ पर तालाब की हो जाती है। जो भी ठेकेदार नाली बनाया है, हमने वो घड़ी जब नाली बना रहा था तो हमने बोले थे कि आप नाली गलत बना रहे हैं, आप ढाल नहीं दे रहे हैं। मेरा बात सुना नहीं गया, हम तो बोलते कहीं प्लेट छोड़ दिया, ढाला नहीं। मेरे सामने बाढ़ पार्षद के सामने आप अभी कैमरा से ले सकते हैं, प्लेट छोड़ दिया, ढाला नहीं, अब भाग गया। और इंजीनियर को इस सब में जेल जाना चाहिए, इतना घटिया ही बना के गया। जो भी आपको ठेकेदार हो या जो भी जो विभाग से बना हो, हमको मालूम विभाग नहीं है, मगर जो बना है, जब कैसे पैसा वो निकाल लिया नाली, जब नाली बनवे नहीं किया, स्थिति जब ना उसका प्लेट बढ़िया तरी बनाया, अभी अगर टेम्पो चढ़ जाएगा या ठेला प्लेट पर चढ़ जाएगा, हड़ास में टूट जाएगा, इतना घटिया नाली बना के गया है। हमने बात बोला, बहुत जगह हल्ला किया, उसके बाद के बारे में क्या स्थिति, सड़क भी वही ठेकेदार किया। अच्छा, कैसा है सड़क? सड़क अब मेरे विधायक जी का ड्रीम योजना था कि अलकतरा का सड़क बनेगा, फिर टूट जाएगा कि बालूलू की गाड़ी आती है, तो ये विधायक जी हम लोग 2 साल 1.5 साल झेले हमारे विनोद प्रसाद यादव जी ने, इनका बहुत हम धन्यवाद देते हैं, ये बहुत कोशिश के बाद ये रोड बनवाए। मगर ऐसा ठेकेदार ये ढाल के गया है, लगता है कि जैसे पंचायत गली है ना, उससे बदतर ही ढला हुआ है। आप अपने से चेक कर सकते हैं, अब ये साल भर भी नहीं हुआ, इतना इतना गड्ढा है, टूटा हुआ है। और सब कहते हैं कि भाई नाली और रोड कि 5 साल तक मरम्मती का गारंटी तौर पर किया जाता, हमको तो मालूम ही नहीं है कि कौन ठेकेदार गारंटी लिए हुए है, कौन कहीं वहाँ इंजीनियर को या जो भी है पैसा ले लेता है, बिल दे देता है। हम लोग बोलते बोलते तो थक गए। क्या आप जिलाधिकारी से क्या मांग करेंगे? जिलाधिकारी को हम ये मांग करेंगे, जाँच किया जाए इसको बढ़िया तरी, जाँच करके और जो भी इसमें गलत किया उसको जेल में पहले डाला जाए और उसका पैसा या जो रिकवरी करके फिर से इसको बनाया जाए। अच्छा, तो आप जब शिकायत करते थे तो आपको भी क्या कहा जाता था? हमको बस यही कहा जाता था, कोई सुनवे नहीं करता था। गया वाला एक आता था, एक कोई इसका इंजीनियर है, क्या स्कूटी है, क्या है, हमको समझ में नहीं आता था। अच्छा, ये करवा दे रहे हैं, इसे करवा दे रहे हैं, इसे करवा दे रहे हैं, एक दो बार। और भिन्न रोड का ठेकेदार बोलता था, अगर आएँ बाएँ करोगे तो हम छोड़ के भाग जाएंगे। मगर हम लोग इतना दिक्कत में थे रोड से, हो ना सके जनता हमको दोषी माने कि तुम्हारे चलते ये भाग गया ठेकेदार। बिल्कुल बिल्कुल, ये चलते हमने फिर चुप हो गए। एक बार झंझट भी हुआ वहाँ, आपके उदय डॉक्टर के पास हमने लोग काम रुकवाया है जो भी, मगर इतना रंगदारी से बतियाए ठेकेदार, लग रहा है कि कितना बड़ा क्या पावर उसको मिला हुआ है, कहाँ से इतना सहक मिला हुआ, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा। जितना काम अब चेक किया जाए, DM साहब हो, SDO साहब जो यहाँ के हैं, आप अपने से चेक किया जाए, अगर हम गलत बोल रहे हैं तो चेक किया जाए भाई, ना कहीं प्लेट ढाला हुआ है, ना कहीं नाली सही से बना हुआ है, अब पैसा कैसे निकल गया उसका भाई। और कहते हैं कि 5 साल गारंटी है कि वारंटी है, आके बनवाना ना चाहिए जो भी इसका इंजीनियर है या जो भी है।
अभी तक कोई सुनवाई नहीं है, आदमी गिर रहा है। एक आपका आदित्य प्रसाद गुप्ता एक पेपर वाले हैं बस स्टैंड, वो बेचारे रात में जा रहे थे और नाली का ढक्कन टूट गया, दोनों हाथ टूट गया आदित्य प्रसाद गुप्ता को, ये नाली चलते इतना गंदा नाली बना हुआ है। अभी तक कोई इसका संविधान ने देखिए क्या होता आगे, खाली लूट मचा हुआ है, लूट लेना है। टून गुप्ता जी, आपने बहुत सारी जानकारी दी, एक आखिरी सवाल कि अब क्या विकास की उम्मीदें लग रही हैं? अब तो अब भी कहीं ना कहीं संशय की स्थिति बन गई है कि अब भी आगे आपके नगर परिषद कार्यालय का क्या होगा, विकास का क्या होगा? अब आपको ये सब बात सुनकर कैसा लग रहा है, क्या होगा? हमको पेपर के माध्यम से जब हम सवेरे में उठे और पेपर मेरे घर पर आती है तो हमने पढ़ा कि सासाराम में आपका जो चेयरमैन जो कोई लेडीज़ थी वो गिरफ्तार हुई और कोई मामला 60 लाख या 55 लाख का मामला था उसमें, वो घड़ी जब मामला था वो घड़ी आप मेरे जो कार्यपालक यहाँ जो बोध गया पहले थे यहाँ भी चार्ज लिए हुए हैं उन्हीं का आ रहा, हम लोग को लगा कि ऐसा ना फिर विकास यहाँ रुक जाए जैसे सुन, पर जब से ये आए हुए हैं मान लीजिए हमको दूसरे के माध्यम हमसे तो भेंट उठ आज तक नहीं है ना कोई वार्ड पार्षद, हम जानते हैं कि ना हमको नंबर मिला है कि कोई हम अपना समस्या हिमानी जी को बोल सके कि मेरे वार्ड में ये समस्या है क्या आप कहते हैं इसमें क्या करना है, कोई कांटेक्ट कोई वार्ड पार्षद से भी नहीं है, नहीं कोई बैठक भी नहीं, कोई बैठक अभी तक कोई बैठक नहीं हुआ ना, किसी वार्ड पार्षद का भी पहचानती भी नहीं है कि वार्ड नंबर 4 में कौन वार्ड पार्षद है, 1 में कौन है मालूम है। विकास की क्या उम्मीद लगा रहे हैं? हमको तो लगा कि ये जैसा टेंडर निकला और भी जो काम आपको जल नल का योजना का जो बोला गया था कि अब सब चीज और आवास योजना ये सब पटरी पर आएगा, मगर ऐसा न्यूज हम लोग पढ़ के फिर हम लोग घबरा गए कि लगता विकास का पटरी जो चला था आपके चिंटू बाबू और विनय जी के माध्यम से जो से अब लगता फिर उतर ना जाए, इस डर माहौल बना हुआ हम लोग का है। इस पर इमरान जी आप जो हमारा इंटरव्यू या सब वार्ड पार्षद से ले रहे हैं बहुत हमको अच्छा लगा कि आपके कारण हम लोग भी जो दिक्कत है जो बोलना है मीटिंग सीटिंग तो हो नहीं रहा है तो कोई जनता के सामने हम अपना बात रखे, ये नहीं कि खाली दोषी वार्ड पार्षद नहीं है बस बस हमको कोई मतलब नहीं है कि हमको ये चाहिए वो चाहिए नहीं, जैसे हो टेंडर से हो जैसे हो विकास होना चाहिए और सबसे पहले बस स्टैंड को समस्या दूर किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात, चलिए थैंक यू।